हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, चेंजिंग लाइफ 2। इन दिस चैप्टर वी शॉल लुक एट द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, थिएटर एंड फिल्म्स, न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, थिएटर, फिल्म्स और न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के जो सेक्टर में कौन से चेंजेस आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज। हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एंड सिंध आर द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ये जो भी नाम मैंने पढ़े वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। दिस इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो हैव डायलेक्ट बट देयर नंबर इज़ नाउ ऑन द डिक्लाइन। लेकिन ऐसे बहुत सी लैंग्वेज है लेकिन उनके नंबर अभी बहुत है, इसके वजह से उसके नाम उनके हाल लिए नहीं गए और उनकी संख्या अब कम हो रही है। ये भारतीय भाषाओं की बोली भाषाएं हैं, ये उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। टाइमली दिस इंडियन लैंग्वेज आल्सो हैव द डायलेक्ट बट देयर इज नाउ ऑन द डिक्लाइन। टाइमली स्टेप शुड बी टेकन टू नर्चर देम, अदरवाइज वी विल लॉस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। नेवर नेथलेस हिंदी विच हैज़ रीच एवरीवेयर थ्रू द मीडियम ऑफ हिंदी मूवीज हैज सर्व टू यूनाइट द कंट्री बाय लैंग्वेज। समय रहते उनका बचाया नहीं जा सका तो ये अनमोल जो था नष्ट हो जाएंगी। और ऐसा है कि फिर भी हिंदी सिनेमा के माध्यम से हर तरफ हिंदी भाषा पहुँच चुकी है और वो देश को जोड़ने में भी एक हो रही है। डू यू नो गिवन बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ नागालैंड 1961, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग देम। जो ईयर 1961 का जो नागालैंड का भाषीय विवरण है वो इस प्रकार से है। ये अंगम, ये सब भाषाएं के नाम है और ये कितने लोग बोलते थे वो टाइम पे, ये उसकी क्वांटिटी है। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच बिगेन आफ्टर 1990। जो ग्लोबलाइजेशन के ईयर 1990 के जो पश्चात जो प्रारंभ हुए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण ही भारत में अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिला। इंग्लिश इज बिकम द लैंग्वेज ऑफ लाइवलीहुड एज इट ओपन द डोर्स टू मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज। मोर ओवर इंडियंस आर एट द फोर फ्रंट इन लर्निंग इंग्लिश। हाउएवर इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट दिस प्रोसेस डज नॉट इनडेंजर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज। और फिर क्या हुआ कि अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा बनती जा रही है और नौकरी के अनेक अवसर अंग्रेजी भाषा के कारण ही उपलब्ध होने लगे हैं। इंग्लिश सीखने के भारतीय लोग आगे आए लेकिन इस प्रोसेस के कारण ही प्रादेशिक जो रीजनल भाषा है का जो अस्तित्व है खतरे में पड़ने लगा। इसी सावधानी को हमको रखनी होगी। इंग्लिश के बढ़ावा के वजह से जो रीजनल लैंग्वेज है उनको खतरा पहुंच गया है। स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड गेम्स वेयर नोन टू पीपल इन जनरल। जो पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद में जो खेल कूद के क्षेत्र में गिने चुने खेलों को ही नाम लिए जाते थे। सम स्पोर्ट्स पर्सन चेंज दिस सिचुएशन, और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ने इनकी सिचुएशन बदल दी। लेकिन दिस इनहेंस द स्टेटस ऑफ बोथ द स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट्स पर्सन। इसने स्पोर्ट्स की भी और स्पोर्ट्स पर्सन की भी स्थिति को बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल गीत सेठी अचीव ग्लोबल एक्सेलेंस इन स्नूकर। जो गीत सेठी है उन्होंने बहुत अच्छी स्थान हासिल किया दुनिया में स्नूकर में। अ वेरिएशन ऑफ बिलियर्ड्स ही वन द नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ बिलियर्ड्स फॉर टीनेजर एट द एज ऑफ 15। उन्होंने 15 ईयर्स में जो चैम्पियनशिप ऑफ बिलियर्ड्स करके है उसे 15 ईयर में जो टेबल स्नूकर जो खेलते हैं उसे बिलियर्ड्स कहा जाता है। और जो उसकी चैम्पियनशिप हुई थी उन्होंने 15 ईयर्स के एज में जीत ली थी। लेटर ही वेंट ऑन टू विन द नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। फिर वो नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीतने के लिए चली गई। एट द ग्लोबल लेवल ही वन द एमेच्योर बिलियर्ड्स कॉम्पिटिशन थ्राइस। और उन्होंने ग्लोबल लेवल पे ये कॉम्पिटिशन 3 times जीता एंड द प्रोफेशनल 1 5 times। और उन्होंने बहुत से टाइम्स ये प्रोफेशनल चैम्पियनशिप जीती है। ही सक्सेस हैज मेड द गेम पॉपुलर
उनकी सक्सेस ने इस गेम को पॉपुलर कर दिया एंड न्यूज़पेपर बिगिन टू रिपोर्ट न्यूज़ अबाउट बिलियर्ड्स, और उन्होंने इस गेम के बारे में न्यूज़पेपर ने भी लिखना चालू कर दिया। दस ही मेड अ न्यू फील्ड अवेलेबल इन राइजिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया, और इसी का जो हुआ कि खिलाड़ियों को उन्होंने नया क्षेत्र उपलब्ध करवा दिया खेलने के लिए। इट वॉज इन 1983 दैट द इंडियन टीम वन द वर्ल्ड कप ऑफ फॉर क्रिकेट अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव। ये 1983 का साल था जो इंडियन टीम ने ना वर्ल्ड कप जीती कपिल देव के कैप्टनशिप में। इट वॉज अ हिस्टोरिक विक्ट्री, और ये ऐतिहासिक जीत थी। क्रिकेट इंस्टेंटली वन ग्रेट पॉपुलरिटी अक्रॉस कंट्री, फिर इसी की वजह से क्रिकेट ने इंडिया में बहुत पॉपुलरिटी हासिल कर ली। इन द सेम ईयर सुनील गावस्कर ब्रोक द अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, और उसकी पहले सुनील गावस्कर ने सबसे ज़्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन 1985 इंडिया वन द, और 1985 में पेज नंबर 53 पे आ जाइए, इंडिया वन द बेंसन एंड हेड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट। उस तरह इंडिया ने बेंसन और हेजेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। एज अ रिजल्ट क्रिकेट केम टू बी प्लेड इन ऑल स्टेट टू लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट, और बड़े और छोटे पैमाने पर इंडिया में हर स्टेट में क्रिकेट खेला जाने लगा। बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिजीनियस इंडियन गेम्स, लेकिन जो दूसरे गेम के उसके कीमत पर ये गेम खेले जाने लगे। अ फ्यू मूवीज वे आर ऑल्सो प्रोड्यूस अराउंड ऑफ थीम ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट के थीम पे कुछ पिक्चरें भी प्रोड्यूस की गई। लाइव टेलीकास्ट ऑफ द फुल 5 days और 1 day ऑफ मैचेस ऑल्सो बिगिन अवेलेबल। फिर जो 5 दिन का टेस्ट मैच है और 1 day मैचेस का भी टेलीकास्ट होना चालू हो गया। इंडिया हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन एशियन एंड ओलंपिक गेम्स, फिर इंडिया एशियन और ओलंपिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट करने लगा। एट द ओलंपिक्स ऑफ ईयर 2000 का ओलंपिक गेम था, कर्णम मालेश्वरी वन अ मेडल फॉर वेट लिफ्टिंग। 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कर्णम मालेश्वरी ने मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स, इंडिया की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। इंडिया रिप्रेजेंटिंग बिगिन टू राइज इन वेरियस ओलंपिक गेम्स सच एज, फिर इंडिया ने बहुत से गेमों में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया ओलंपिक्स में, जैसे हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग एंड आर्चरी। आर्चरी यानी धनुष बाण वाला जो खेल होता है। थिएटर एंड फिल्म्स आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। जो थिएटर और जो नाटक और सिनेमा जो है भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्ली प्लेस वेयर वेरी लॉन्ग समटाइम्स रनिंग थ्रू एन एंटायर नाइट। कुछ कुछ जो पहले प्लेज होते थे, जो पहले के नाटक खूब समय तक कभी कभी रात भर चलते थे। नाउ द फॉर्म टेक्निक ड्यूरेशन ऑफ प्लेज हैव ऑल चेंज, लेकिन आज की तारीख में ये सब है ना, अलग अलग क्षेत्र के लोग, उसकी तकनीक भी बदल गई और उसका टाइम भी बदल गया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टेक पार्ट इन ड्रामाज, बट म्यूजिकल हैव नाउ डिक्लाइन इन द इम्पॉर्टेंस एंड पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट हैव रिप्लेस देयर अर्लियर माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स। इसमें क्या हुआ, फिर संगीत जो है उसका रंगभूमि का महत्व पहले से ही तुलना में कम हो चला। फिर पौराणिक और तथा ऐतिहासिक विषय के बदले राजनीतिक और सामाजिक विषय को प्रधानता मिलने लगी। द एज ऑफ ब्लैक एंड वाइट मूवीज हैव बीन सक्सीडेड बाय द एज ऑफ कलर मूवीज। जो सिनेमा के क्षेत्र में जो कुछ जो सिनेमा के क्षेत्र में कृष्ण धवल सिनेमा के बाद जो रंगीन से ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के बाद जो रंगीन सिनेमा का युग आया। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा का स्थानीय बहुत अतुलनीय है। इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट द प्लेस ऑफ हिंदी मूवीज इज इनकम्पेरेबल। नाउ मूवीज रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी थीम्स। अभी क्या है कि जो मूवीज है कंटेम्प्ररी थीम्स से बनती है। फिल्म शूटिंग लोकल्स है मूव अब्रॉड। अभी जो फिल्म शूटिंग्स वगैरह जो होती है वो अब्रॉड में भी होने लगी। सो व्यूअर्स कैन नाउ सी मेनी डिफरेंट प्लेसेस इन फॉरेन कंट्रीज। इसी की वजह से व्यूअर्स है ना फॉरेन कंट्रीज के व्यूज भी देखने लगे। मूवीज इन
मूवीज इन फॉरेन लैंग्वेज आर नाउ ट्रांसलेटेड. अभी क्या हो गया है कि जो फॉरेन लैंग्वेज की मूवीज है उसे भी ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में. ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ इंग्लिश मूवीज अ शॉर्ट हिंदी ट्रांसलेशन नाउ अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज सब टाइटल. और अभी क्या होने लगा है कि जो स्क्रीन पे है ना सब टाइटल जो हिंदी में लिख के आते हैं वो भी होने लगेगा ट्रांसलेशन के लिए. हिंदी मूवीज नाउ कम्पीट विद ग्लोबल मूवीज एज दे हैव रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. अभी हिंदी सिनेमा ग्लोबल सिनेमा से कम्पीट भी करने लगा और दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगा. वी सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल सोशल इवेंट इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी इन द मूवीज. जो हम है ना जो रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं सामाजिक पॉलिटिकल और इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी का जो मूवीज है. मूवीज विच वेयर 3 to 4 hours लॉन्ग आर नाउ ऑफ ओनली 1 or 1.5 hours. जो पहले मूवीज 3 to 4 hours की होती थी अब 1 या 1.5 hours की होने लगी हो गई. मोर ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ वन स्क्रीन वन सिनेमा हॉल हैज़ गिवन वे टू मल्टीप्लेक्स. जो पहले एक मूवी एक सिनेमा का कॉन्सेप्ट था थिएटर में लगती थी अब उसे मल्टीप्लेक्स जैसा हो गया जहाँ पे एक थिएटर रहता जहाँ पे चार चार पिक्चर लगती है. द डे ऑफ मूवी रनिंग फॉर 100 weeks इन वन सिनेमा हॉल आर ओवर. जो पहले हॉल होते थे जहाँ पे 100 दिन मूवीज चलती थी 100 हफ्ते चलती थी अब वो बंद हो गया. नाउ वन मूवीज रन इन 1000s of cinema halls इन इंडिया. अब ऐसा होता है कि एक मूवी इंडिया के हज़ारों सिनेमा में रिलीज होती है एंड अब्रॉड साइमल्टेनियसली और विदेशों में भी इन इंडिया. दिस डेवलपमेंट हैज़ चेंज द इकोनॉमी ऑफ मूवीज़. जो आर्थिक हालत है मूवीज़ की उसको चेंज कर दिया इस तरह के सिनेमा ने. प्रोडक्शन ऑफ मूवीज़ हैज़ अटेंड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री. द इंडस्ट्री नाउ एम्प्लॉयज करोड्स ऑफ पीपल. द मूवी इंडस्ट्री इन रीजनल लैंग्वेज इज ऑल्सो थ्रिविंग. अभी इस तरीके से ना इंडस्ट्री के पूरे हालात बदल गए. अभी करोड़ों लोगों को काम मिलने लगा और जो रीजनल भाषाएं उनके भी सिनेमा उद्योगों पर बाहर छा गई. न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर द चेंजिंग लाइफस्टाइल हैड इट इफेक्ट्स ऑन न्यूज़पेपर एंड अदर मास मीडिया. जो बदलती जीवन शैली का प्रभाव समाचार पत्रों पर भी और जो प्रसार के माध्यम पर भी पड़ा. एंड दे टर्न हैव द इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी लाइफ. वो खुद भी इफेक्ट हुए और कम्युनिटी लाइफ को भी इफेक्ट करने लगे. ड्यूरिंग अर्लियर पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड द न्यूज़ पेपर हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. जो आज़ादी के बाद का जो काल था समय था जो न्यूज़पेपर के बहुत से ऑब्जेक्टिव थे. इन दिस पीरियड द न्यूज़पेपर वेयर एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली गिव द न्यूज़ ऑफ डेली इवेंट्स बट आल्सो गिव द इम्पेटस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बाय प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट. अभी इसके ऑब्जेक्टिव वो बदल गए. इसमें अभी डेली इवेंट्स की भी न्यूज़ है इसमें इंडस्ट्री कॉमर्स और एडवर्टाइज भी दी जाती है. न्यूज़पेपर फंक्शन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. शेप पब्लिक ओपिनियन डायरेक्ट इट टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव वर्क एट टाइम्स हैड लेटर. कैरी ऑन द टास्क ऑफ पब्लिक अटेंशन कीप वॉच ओवर द गवर्नमेंट मशीनरी एक्सेट्रा. अर्लियर न्यूज़ पेपर वेयर ब्लैक एंड वाइट विद द चेंजिंग टाइम कलर प्रिंटिंग बिकम कॉमन. अभी ऐसा हो गया जो इंडिया के आज़ादी के समय में रोजमर्रा की गतिविधियों की ताज़ा खबरें देना विज्ञान प्रकाशित करवाकर उद्योग व्यवस्था को बढ़ावा देना जनमत तैयार करना रचनात्मक कामों के लिए जनमत कर नेतृत्व करना प्रबोधन करना सरकारी व्यवस्था पर अंकुश रखना जैसे जो बहुत से उद्देश्य के लिए समाज पत्र कुछ नल रंगों में ही प्रकाशित होते हैं. अर्लियर न्यूज़पेपर वेयर थॉट टू बी द माउथ पीस ऑफ द तालुका और डिस्ट्रिक्ट. नाउ दे हैव टू बी फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द स्टेट लेवल न्यूज़पेपर चैंस. बट ऑन द होल न्यूज़पेपर आर नाउ बिकमिंग मोर एक्टिव. आगे समय बदला और समाचार न्यूज़पेपर रंगीन हुए. पहले तहसील और जिले के मुखपत्र के रूप में पहचाने जाने वाले जो न्यूज़पेपर को बड़ी मात्रा में राजस्तरीय श्रृंखला रूप स्वरूप के पत्रों का सामना करना पड़ा और समाचार पत्र अब ज़्यादा ही सक्रिय होने लगे हैं. देयर स्कोप हैज़ इनलार्ज टू. पेज नंबर 54 पे आइए फ्रेंड्स. In last to include raising funds for drought affected and flood affected people,
हेल्पिंग मेरिटेरियस स्टूडेंट फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप टू गो फॉर हायर एजुकेशनल एंड ऑर्गेनाइजिंग और स्पॉन्सरिंग कल्चरल प्रोग्राम. दिस इज हाउ न्यूज़पेपर हैव नाउ बिकम ऑन इनसेपरेबल पार्ट आवर लाइफ. और समाचार पेपर ज़्यादा ही सक्रिय होने लगे अकाल पीड़ितों के लिए जो फंड इकट्ठा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए एक फंड इकट्ठा करना, और जो इकोनॉमिक दृष्टि से दुर्बल और जो कमज़ोर बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए सहायता करना, फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, आयोजित करते जैसे विविध जो डिफरेंट माध्यम से न्यूज़पेपर हमारे जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गए. टेलीविज़न कम टू इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. अर्लियर इट वॉज ब्लैक एंड वाइट. इंडिया टेलीविज़न इंडिया में आज़ादी के बाद आया, और बाद पहले तो ये ब्लैक एंड वाइट था, अभी ये कलर में है. अर्लियर इट वॉज लिमिटेड टू सम सिलेक्टेड प्रोग्राम्स एंड फिक्स टाइम स्लॉट. पहले तो ये बहुत लिमिटेड प्रोग्राम तक था और वो फिक्स टाइम स्लॉट के लिए था. ग्रेजुअली इट्स स्कोप वॉज इनलार्ज्ड टू इंक्लूड एजुकेशनल प्रोग्राम, न्यूज़ बुलेटिन, डिटेल रिपोर्टिंग ऑफ द टूर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. बाद में ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी होने लगा इसमें, फिर न्यूज़ आने लगी इसमें, फिर डिटेल रिपोर्टिंग होने लगी. चलते जो टूर्स होते प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, उसकी रिपोर्टिंग भी होने लगी. ड्यूरिंग द टेलीकास्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत मेजोरिटी ऑफ द पीपल यूज टू सीट ग्रुप टू द टेलीविजन सेट. फिर क्या हुआ, जो टेलीकास्ट रामायण और महाभारत का जो टेलीकास्ट होने लगा तो बहुत से लोग है ना टेलीविज़न को चिपक के बैठना शुरू कर दिए. दिस सीरियल प्रूव द पॉपुलरिटी ऑफ दिस मीडियम. और इन्हीं सीरियल्स ने टेलीविज़न की पॉपुलरिटी को प्रूव किया. देन इन 1991 CNN चैनल शो टू द एंटायर वर्ल्ड लाइव विजुअल रिपोर्टिंग ऑफ द इराक वार. फिर 1991 में CNN चैनल ने पूरी दुनिया को सीधा प्रसारण दिया इराक वार का. एज दिस स्टेज द वर्ल्ड ऑफ इंडियन न्यूज़ चैनल चेंज कम्प्लीटली. और फिर इसी मौके पे जो इंडियन न्यूज़ चैनल का चैनल बिल्कुल तरीके से चेंज हो गया. 1998 में स्टार जो सैटेलाइट टेलीविज़न एशियन रीजन और प्राइवेट मीडिया हाउस एंटर इंडिया, जो ये प्राइवेट चैनल है स्टार, ये मीडिया हाउस इंडिया में एंटर हुआ 1998 में. एंड अनइंटरेस्टिंग मोनोटस एंड प्रोपेगंडिस्ट न्यूज़ टेलीकास्ट ऑफ द अर्ली पीरियड अंडरवेंट अ सी चेंज. और इन्हीं प्राइवेट चैनलों ने फिर देश की जो नया चेंज कर दिया, जो पूरी एक तरफा और समाचार विश्व को बदल दिया उन्होंने पूरी तरीके से. उन्होंने इससे जो आरंभिक में जो प्रचल हो रहा था भारत में एक तरफा प्रचार स्वरूप के समाचार को पूरा बदल दिया. द लैंग्वेज द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन स्टूडियोज इक्विप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द यूज ऑफ OB द आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैंस हैव एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ इंडियन TV. फिर क्या हो, जो भारत की जो भाषा प्रस्तुतिकरण और जो तकनीक है टेक्निक्स और स्टूडियो OB आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग और फिर वेनों का यूज़ करना, इन चैनलों ने इस तरह से क्षेत्र का बहुत तरीके से विकास किया. चैनल स्टिल फर्दर एंड ब्रॉड द ट्रांसपेरेंसी एंड वेराइटी. नाउ एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री इज कनेक्टेड. अभी क्या है, ये कंट्री के हर कोने कोने तक पहुंच चुका है. दिस हैज़ हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स. और इसका राजनीति में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. इन शॉर्ट द होल कंट्री स्टार्ट चेंजिंग. और शॉर्ट में फिर क्या हो गया कि पूरी कंट्री बदलने लगी है इसी की वजह से, इन्हीं मीडियम्स की वजह से. सो फार वी हैड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. नेक्स्ट ईयर वी विल स्टडी हाउ टू मेक यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. वी शॉल सी हाउ हिस्ट्री कैन बी पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड नॉट जस्ट ऑफ थिंक ऑफ द पास्ट. ओके फ्रेंड, यही हमारा 10th लेसन भी ख़त्म होता है. हम अब नेक्स्ट हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे. ओके बाय.